प्लास्मोडियम, क्या आप जानते हैं कि प्लास्मोडियम, व्हाट इज प्लास्मोडियम, प्लास्मोडियम क्या है, कहां पर होता है, किस तरह, क्या चीजें, खाने के पीने की चीजें क्या। प्लास्मोडियम जो है एक आई से, मतलब एक समझो कि एक जरसूमा है जो कि कोलेरा उल्वा फोटोफथोरा प्रोटोजोआ अमेबा वगैरह से लगे, जो कि इंसान को एक बीमारी मुबला करता है जिसको हम जानते हैं उसके नाम को मलेरिया, जिसकी वजह से इंसान को डेथ तक हो जाता है। जो कि मलेरिया का मतलब एक जरसूमा है जिसको हम एक नाम से जानते हैं, एंड स्पोरोजोन के नाम से जानते हैं। वो क्या होता है, जब कोई मतलब मच्छर इंसान को खून चूसने के लिए काटता है तो वो उस मच्छर के लगाव के साथ इंसान के स्पोरोजोन जो है, स्पोरोजोइट इंसान के खून में मुंतकिल हो जाता है। फिर आधा घंटे के बाद वो जिगर में जाता है, जिगर में जाने के बाद जिगर के सेल के अंदर जाता है, सेल के अंदर जाने के बाद वहाँ पर वो 12 दिन तक मुसलसल अपनी रिप्रोडक्शन करता है, फिर वहाँ से दोबारा खून में चला जाता है, दोबारा खून में चला जाने के बाद फिर खून के रेड ब्लड सेल के खुले के अंदर चला जाता है, हर एक प्रोटोजोन हर सेल के अंदर चला जाता है, फिर इसके बाद वहाँ पर साइटोप्लाज्म अपनी गजा के तौर पर इस्तेमाल करता है, फिर उनको यानी कि डिस्ट्रॉय करने के बाद हमारे दोबारा से वो जिगर में चला जाता है और मतलब इस तरह में नुकसान पहुँचाता है, फिर वो दोबारा उस की जो एनोफील मस्केटो है उसके अंदर चला जाता है, और दोबारा मतलब कोई हमारे जिसमें अगर काटता है उसके जिसमें जाके उसके जो मैदे के अंदर उसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इस तरह मतलब इसका इस तरह क्या होता है जो सवान हयात मतलब इसका उस तरह होता है। ओके, जो प्लास्मोडियम स्पोरोजोन की आम मिसाल प्लास्मोडियम मलेरिया का जरसूमा जिससे मलेरिया बुखार हो जाता है, किसकी वजह से, प्लास्मोडियम की वजह से क्या होता है, यानी कि मलेरिया का जो जरसूमा है जिसको हम प्लास्मोडियम के नाम से जानते हैं, प्लस जो मलेरिया का जो जरसूमा इसको हम किस नाम से जानते हैं, प्लास्मोडियम, जो कि यानी कि मच्छर की वजह से होता है प्लास्मोडियम, वो क्या होता है इंसान को मलेरिया का बुखार में क्या करता है, यानी कि इस वजह से इंसान बुखार मुबतला हो जाता है। स्पोरोजोन क्या मिसाल है ये, नेक्स्ट टाइम मलेरिया डिजीज आमतौर पर जो मलेरिया यानी कि बुखार से शुरू में मरीज की सर्दी कब कभी तारी हो जाती है जिसके साथ पसीना आता है, जिसम का दर्द 106 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। इसको हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं मलेरिया की डिजीज को, उस कंट्रोल करने के बारे में बात।